बात करते हैं जमशेदपुर की। टोल गेट के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। NH-33 के गालूडी के पास बन रहा है टोल ब्रिज और JMM विधायक की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दो टोल के बीच महज 60 किलोमीटर की दूरी सर दो टोल के बीच 60 किलोमीटर की दूरी जरूरी है, लेकिन यहां पर बहुत कम दूरी। इसी का लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध में यह प्रदर्शन धरना दिया है। टोल का विरोध हो रहा है। NH-33 के गालूडी के पास यह टोल बन रहा है। टोल गेट के विरोध में प्रदर्शन है। आपको बताएं कि लोग विरोध कर रहे हैं। NH-33 के गालूडी के पास बन रहा है ये टोल, जिसका विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सभी इकट्ठा हुए हैं टोल के विरोध में। NH-33 के गालूडी के पास जो टोल बन रहा है, टोल गेट के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है और इसी को लेकर स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। NH-33 के गालूडी के पास ये टोल बन रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। आपको बताएं कि दो टोल के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी होनी जरूरी है। इसे लेकर भी सवाल उठाया गया है कि ये जो टोल गालूडी में बन रहा है, इसके और जो पहले से जो टोल है उसके बीच की दूरी भी काफी कम है, और इसलिए इस टोल के निर्माण को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसका विरोध हो रहा है। और ये इतने लोग इकट्ठा हुए हैं JMM के समर्थन में, यहां पर टोल निर्माण का विरोध हो रहा है। प्रभात जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, टोल का विरोध हो रहा है, ये जो टोल निर्माणाधीन है इसका विरोध हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि लोग ये कह रहे हैं कि एक जो मानक होता है कि दो टोल के बीच में 60 किलोमीटर का एक दायरा होना चाहिए, वो बहुत कम है, दूरी बहुत कम है, तो क्यों आखिर इसे इजाजत कैसे दी गई, इसका निर्माण कैसे हुआ? ये सीधा सीधा यहाँ के लोगों पर एक अनावश्यक खर्च बढ़ाने की पहल है और कुछ नहीं।
बिल्कुल आरती, देखिए एनएचआई का जो नियम है कि कम से कम 60 किलोमीटर के अंदर में दो टोल प्लाजा होना चाहिए, लेकिन ये टोल प्लाजा 32 किलोमीटर के अंदर, आप देखिए ये जो गालूडी के पास बना टोल प्लाजा है और उसी को लेकर आज पूरे ग्रामीण आप देख सकते हैं किस तरीके पूरे प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, पूरे ग्रामीण है, रैयतदार है, इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। साफ कहना है कि हम किसी कीमत में टोल प्लाजा को हम लोग बनने नहीं देंगे और इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और लगातार ग्रामीणों का ये कहना है कि हम जो रैयतदार है उन्होंने जमीन दिया है, जमीन को लेकर कहीं ना कहीं इन लोगों का विरोध है और जिस तरीके से जमीन लिया गया उनके एवज में उसको पैसा भी नहीं दिया गया है। तो रामदास सोरेन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ नाराबाजी हो रहा है और साफ विरोध कर रहे हैं कि हम लोग किसी कीमत में भी ये टोल प्लाजा नहीं होने देंगे और जो टोल प्लाजा का नियम है वो उसके विरोध काम किया गया। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, साफ कहना है कि हम लोग कोई भी कीमत में ये टोल प्लाजा को हम लोग नहीं बनने देंगे। विधायक जी का समर्थन भी और गांव वाले काफी दिनों से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विधायक जी ये टोल प्लाजा का विरोध प्रदर्शन और गांव वाले के साथ मिलकर आखिर ये टोल प्लाजा गलत तरीके से बनाया गया, जबकि पिछले दिनों गडकरी जी ने कह दिया था कि 60 किलोमीटर के दायरे में बनवाया, तो आप लोग क्या चाहते हैं? विगत दिन जो माननीय केंद्र मंत्री गडकरी जी ने पार्लियामेंट में जो घोषणा किया है, इस बात को विगत दिन दिशा का बैठक में जमशेदपुर में मैंने बात उठाया था कि आखिरकार मेरे विधानसभा में ही एक दो जगह टोल प्लाजा कैसे बन रहा है, जबकि यहाँ पर एनएचआई के नियम अनुसार 60 किलोमीटर का दूरी में टोल प्लाजा बनना चाहिए, जिस पर दिशा का बैठक का अध्यक्षता स्थानीय सांसद माननीय विद्युत बरन जी कर रहे थे और विद्युत बरन जी एमपी भी स्पष्ट किए कि केंद्र में केंद्र मंत्री गडकरी जी ने पार्लियामेंट में स्पष्ट कर चुका है कि कहीं भी अगर 60 किलोमीटर का अंदर में अगर टोल प्लाजा बन रहा है तो केवल एनएचआई लूटने का काम कर रहा है, जनता को लूटने का काम कर रहा है। अगर इस तरह कहीं बन रहा है, निर्माण हो रहा है तो गलत हो रहा है, बंद होना चाहिए। दिशा का बैठक में भी ये बात आई है, उसका बावजूद भी आज यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ 21 एकड़ जमीन जो लिया गया है वो बिल्कुल एनएचआई का बाहर लिया गया है। अब मुझे समझ में नहीं आता है वो जमीन को किस काम में लगाएगा। विगत दिन देखा गया कि यहाँ पर जो केंद्र का क्या योजना है, मानसरोवर अमृत सरोवर तालाब का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, तो एनएचआई के नाम से जमीन लिया जा रहा है और अमृत सरोवर का तालाब बनाया जा रहा है। आने वाला समय यहाँ पर मुझे ये लगता है एनएचआई के नाम से जमीन ले करके जमीन यहाँ का जनता का यहाँ के लोगों को कम दाम में जमीन ले करके दूसरे बड़े बड़े यहाँ पर बिल्डिंग बनाने की बात आ रही है, इसी के लिए यहाँ के जनता यहाँ गांव वाले विरोध कर रहा है और किसी भी कीमत पर यहाँ पर टोल प्लाजा नहीं बनने दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आरती, ये विधायक के साथ ही साथ जितने जनप्रतिनिधि है वो भी इस धरना प्रदर्शन साथ में जो गांव के लोग है वो भी है और उनका साफ कहना है, जो रैयतदार है उनका साफ कहना है कि हम किसी भी कीमत में ये जमीन नहीं देंगे। कुछ रैयतदार भी है, हम उनसे भी जान लेते हैं, आपकी कितनी जमीन गई है और क्या आपको उचित मुआवजा मिला? नहीं, हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला। पिछले 1.5 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग माननीय विधायक जी से हम लोग बार बार अनुरोध किए हैं, जिसके वजह से आज हम लोग बहुत ही, जब कहीं से कुछ नहीं बनता दिखा तो विधायक साहब के साथ आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगी। अभी मतलब एक महीना का अल्टीमेटम दिया गया, एक महीना के अंदर अगर एनएचआई हम लोग अगर मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम लोग परिवार सहित यहाँ हम भले ही आत्मदाह करना पड़े लेकिन करेंगे। और इसमें हम लोग चाहते हैं कि एनएचआई का जो भी मनमानी किया है ये बिल्कुल गलत किया है और गरीबों का जो जमीन लिया गया वो बिल्कुल वापस किया, वापस हो। बिल्कुल, देखिए रैयतदार है, बिल्कुल, और देखिए ये परेशानी लोगों की है, प्रभात, ये भीड़, ये लोगों का आक्रोश बता रहा है कि एनएचआई ने जब ये जमीन ली, जब इस टोल प्लाजे का निर्माण की बात हुई उस वक्त जो कानूनन तौर पर जो इन्हें मिलना चाहिए था जमीन अधिग्रहण के बदले या फिर कंपनसेशन में जितनी भी जो भी डील हुई हो की वो अब तक इन्हें मिला नहीं है। एक तो इन्हें कंपनसेट नहीं किया गया, दूसरी चीज कि जो जिस नियम कानून के हिसाब से टोल प्लाजा को यहां बनाया जाना चाहिए उन नियमों का भी ख्याल नहीं रखा गया है, जिसके बाद आक्रोशित लोग अब चाहते हैं कि उन तमाम कायदों का, नियमों का पालन हो, उसके बाद ही यहां पर
टोल प्लाजे का निर्माण हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तस्वीरें और हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए प्रभात। तो NH-33 के पास गालूडी के पास ये टोल प्लाजा बन रहा है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों की ये मांग है कि पहले तो जो रैयत जिनकी जमीन ली गई है उनके जमीन अधिग्रहण के बदले उन्हें कंपनसेट किया जाए। दूसरी चीज ये कि नियम कायदों को जो ताक पर रखा गया है NHAI उनको भी एक बार रिव्यू जरूर करें। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।